आगामी जुमे की नमाज के दृष्टिगत जनपद पुलिस शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विष्णु के नेतृत्व में गीता प्रेस भवन क्षेत्र से ड्रोन कैमरे को उड़ाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। साथ ही भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में लगातार रूम कैमरे से निगरानी रखने के निर्देश भी पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा ड्रोन टीम को दी गई। इधर की मस्जिद है, यहाँ पे बगल में है ना, टावर पास, हाँ ये बगल में साउथ में। नहीं घूमी हो इससे ज़्यादा नहीं होगा इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विष्णोई ने बताया। जनपद गोरखपुर में प्रदेश में पिछले शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद हुई विभिन्न प्रकार की घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए इस बार की जुम्मे की नमाज एवं किसी अन्य कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो पाए, इसलिए कुछ दिवस पहले ड्रोन उड़ाकर 54 ऐसे घर आइडेंटिफाई किए गए थे जहाँ से ईंट पत्थर घरों के ऊपर जमा थे। दोबारा ये इंश्योर करने के लिए कि क्या उन घरों ने अपने छत पर जमा किए गए ईंट पत्थर हटाएं या नहीं हटाएं, उसको देखने एवं अन्य घरों पर भी सर्विलांस के लिए ड्रोन उड़ाया गया है एवं इंश्योर कर रहे हैं कि उन घरों में पर से ईंट पत्थर हटा दिया जाए। सर, अभी तक ड्रोन के माध्यम से कुछ पता चल पाया है? कुछ नए घर भी आइडेंटिफाई किए गए हैं एवं पुराने घर जिन पर 54 नोटिस दिए गए थे।